नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो अक्सर हम मार्केट से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो उस प्रकार की थैलियाँ दी जाती हैं जो साड़ी के कपड़े से बने हुई थी, और कपड़ा भी नया ही होता है। तो बहुत बार बहुत ही प्यारी प्यारी डिजाइन की थैलियाँ आती हैं। तो देखिए, इन्हीं में से एक थैली का मैं रीयूज कर रही हूँ और बहुत ही प्यारा आइटम बना रही हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, इस थैली की जो भी सिलाई है वो मैंने उधेड़ दी है, और इसकी अच्छे से जो भी टेढ़ वगैरह थी उसकी कटिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर लिया है मैंने डबल कपड़ा, और दो पीस हमें कट करने हैं तो इसके लिए मैंने डबल कपड़ा लिया है। और पहले निशान लगाते हैं इसकी चौड़ाई का। तो चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ मैं 15 इंच पर। वैसे तो हमें 14 इंच चाहिए, पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। और लंबाई का निशान लगा रही हूँ मैं 13 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, वैसे तो हमें 12 इंच चाहिए। तो देखिए, सारे ही निशान मैंने लगा दिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कपड़े की कटिंग करनी होगी, देखिए इस प्रकार। तो कपड़े की कटिंग हमारे हो गई है, और देखिए दोनों ही पीस हमारे एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब देखिए, हमें एक फॉर्म शीट लेनी होगी। फॉर्म शीट नहीं हो तो आप राइस बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो देखिए, फॉर्म शीट की लंबाई चौड़ाई है 12x14 इंच, देखिए इससे एक एक इंच छोटी। देखिए, तो यहाँ पर फॉर्म शीट मैंने ले ली है। अब लेना है हमें अस्तर। तो अस्तर के लिए आप कोई सा पुराना कपड़ा ले सकते हो, या कोई साड़ी का पल्लू वगैरह, कोई ब्लाउज पीस का कपड़ा बचा हुआ तो वो ले सकते हो। तो देखिए, दोनों ही कपड़े मैंने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लिए हैं। अब फॉर्म शीट को बीच में रखते हुए इनकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा दी है, ताकि जो भी हम बैग वगैरह बना रहे हैं तो उसके बाद में फिनिशिंग के लिए कोई पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और देखिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ दोनों ही पीस रेडी हो गए हैं। अब देखिए, दो पीस ले रही हूँ मैं फॉर्म शीट के साथ तैयार किए हुए। पहले मैंने एक बैग बनाया था बहुत ही प्यारा, तो उसमें से ये छोटे छोटे पीस बचे थे जिसके अंदर फॉर्म शीट और अस्तर वगैरह लगा हुआ है। ऊपर जिपर भी लगी हुई है, तो मैंने जिपर में रनर डाल दिया है। और देखिए, जो दोनों ही पीस मैंने पहले रेडी किए हैं उनके अंदर की साइड में पॉकेट बनाना है। तो देखिए, इस प्रकार अटैच कर देंगे तो देखिए हमारे दो पॉकेट बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई लगा कर मैंने अटैच कर दिया है। एक बन गया है हमारे जिपर वाला पॉकेट, और दूसरा बन गया है बिना जिपर वाला पॉकेट। तो देखिए, अब पॉकेट लगाने के बाद में जो भी उसका ऊपर वाली साइड है उसका ध्यान में रखते हुए एक सेंटर पर निशान लगाना है, और इसके बाद में दो स्ट्रिप रेडी करनी है। तो देखिए, स्ट्रिप की लंबाई ली है मैंने 18 इंच, और चौड़ाई मैंने 2 इंच की ये फॉर्म शीट ली है। इस प्रकार फोल्ड करते हुए इनको तैयार कर देंगे। तो देखिए, दोनों ही स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई हैं। अब देखिए, अब इनको अटैच करते हैं। तो देखिए, ये ऊपर की साइड जो पॉकेट खुल रहा है उधर की साइड पे पहले हम सेंटर पर निशान लगा देंगे, फिर इस निशान के 3.5 इंच इधर की साइड में और 3.5 इंच इधर की साइड में दो निशान लगाने होंगे, देखिए इस प्रकार। तो देखिए, दोनों ही निशान मैंने लगा दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले पीस पर भी हमें निशान लगाना है, और इन्हीं निशानों के ऊपर दोनों स्ट्रिप अटैच करनी है। तो देखिए, दोनों ही पीस के अब स्ट्रिप अटैच कर दी हैं, और देखिए इस प्रकार ये अटैच हो गई हैं। अब लेनी है इसी के बराबर जिपर। तो देखिए, इसकी लंबाई 14 इंच है, तो 14 इंच लंबी हमें जिपर लेनी है, और जिपर का एक पार्ट इधर की साइड में और दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट के साइड में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर जिपर मैंने जॉइंट कर दी है, साथ में टॉप स्टिच भी लगा दी है और रनर भी डाल दिया है। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इसके तीनों ओर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर तीनों ओर सिलाई मैंने लगा दी है, और कोई अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया था। अब देखिए, कोने को इस प्रकार मिलाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे। कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है लगभग इस कोने से 1.5 इंच अंदर की साइड में। अब इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, सीधा मैंने कर दिया है, और हमारा बहुत ही प्यारा एक पर्स बनकर तैयार हो गए हैं। और कोई बोल भी नहीं सकता है कि यह मार्केट से लाई हुई थैली का ये पर्स बना हुआ है। अंदर दो पॉकेट हैं, एक जिपर वाला एक बिना जिपर वाला मेन पॉकेट, और बहुत ही प्यारा देखिए छोटा सा पर्स हमारा बनकर तैयार हुआ है। कपड़े का लुक बहुत ही प्यारा है, और कपड़ा भी बहुत ही प्यारा है। तो देखिए, पर्स भी काफ़ी प्यारा लग रहा है।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।